गोभी की इतनी स्वादिष्ट पकौड़े आज हम बनाने वाले हैं कि इससे पहले गोभी इस तरीके से आपने नहीं बनाया होगा। और बेसिकली ये बिहार में बहुत फेमस होती है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ऐसा होता है कि गोभी अंदर थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। लेकिन आज हम गोभी के जो पकौड़े बनाने वाले हैं ना, वो अंदर से भी एकदम नरम और बाहर से एकदम क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। इसे हम उबालने वाले नहीं हैं बिल्कुल, बस हमने कट कर दिया है छोटी छोटी पीस में, और जो नीचे वाला डंठल होता है उसको, जो मोटा पार्ट होता है उसे काट के निकाल दिया है। बहुत अच्छे से हमने इसको धो लिया है और अब ये बिल्कुल रेडी है पकौड़े बनने के लिए। आप खाएंगे तो ये आपको नरम लगेगा, जिसके जो डंठल है ना वो भी पूरी तरीके से पक गए होंगे, बिना बॉयल किए बहुत अच्छे से ये पक जाएंगे। तो चलिए कैसे पकते हैं हम आपको बताते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम बेसन, एक बड़ी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधे चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये होममेड मसाले हैं, साबुत जीरा आधा चम्मच के करीब, स्वाद अनुसार आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच आमचूर, आधे चम्मच लाल मिर्च, और ये ज़रा सा सोडा बेकिंग पाउडर। और ये बेकिंग पाउडर आपकी गोभी को एकदम नरम कर देगा और ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनाएगा। आप गोभी खाएंगे तो आपको लगेगा कि इतने कम समय में कैसे ऑयल में गोभी इतनी तरीके अच्छे से पक गई, उसकी एक एक डंठल बहुत अच्छे से पक जाएंगे। थोड़े थोड़े पानी डाल करके इस बैटर को हम तैयार कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा फेंटना ज़रूरी होता है, फेंटने से ना बहुत ही ज़्यादा ये फूले फूले बनते हैं। वैसे जो बेकिंग पाउडर हमने डाला है उसकी फेंटने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही फूलेगा। सारे गोभी एक बार में ही डाल लेना है और एक साथ ही मिला लेना है खूब अच्छे से। और ऑयल गर्म हो गई है और थोड़े थोड़े हम डालना इस तरीके से शुरू करते हैं। ये चिपक भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है, जब थोड़े से गर्म हो जाएंगे तो वो अपने आप अलग हो जाएंगे, तो इसकी आप चिंता ना करें, जितना स्पेस है उसमें डाल दीजिए। अब धीरे धीरे उलट पलट करते रहें। ठंड के मौसम में गोभी के पकौड़े का एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि इस समय की जो गोभी होती है ना वो थोड़ी अच्छी एकदम ताज़ी ताज़ी, मतलब नरम नरम वाली मिलती है, सूखी सूखी नहीं मिलती है, तो इसके पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। और अब इसका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, थोड़े से हम और इसको फ्राई करेंगे और तुरंत इसको हम निकाल लेंगे। बढ़िया से डीप फ्राई हमने इसको किया है, बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत नरम, और जो मसाले इसमें गए हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये पकौड़े आप बनाएंगे और जब खाएंगे तो खूब सारी तारीफ़ करेंगे।